की चल अपने स्पाइसेस में। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की रेसिपी कितनी ज़्यादा हेल्दी और डिलीशियस होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने लिया है आम, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर लिया हमने एक कप चीनी और ये हमारा व्हिपिंग क्रीम, लगभग 500 ग्राम इसमें है। व्हिपिंग क्रीम को फेंटने के लिए कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें इलेक्ट्रिक बीटर का ही ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं ये आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए ये हैंड बीटर है, कुछ इस तरह से प्रेस करने पर ये घूमता है, बीट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा हमें पावर लगाने का ज़रूरत पड़ता है हाथ से, लेकिन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आम को छील लूँगी और उसका चीनी के साथ एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए आम को मैंने छील लिया है और उसका पेस्ट भी बना लिया है, उसको हमने साइड में रख दिया है। और फिर अब हम इस क्रीम को, जो कि बहुत ज़्यादा जमा हुआ है मेरा, इसको हमें डीप फ्रीज़र में रखना पड़ता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। उसको मैंने थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए गला लिया है। और फिर देखिए मैं इसको किस तरह से बीट कर रही हूँ। इस तरह से आपको करना है। आपको ऐसे इलेक्ट्रिक बीटर में आपको टाइम लगता है 10 मिनट का कंटिन्यूसली, और इस हैंड बीटर से आपको कंटिन्यूसली 20 मिनट्स लगेंगे, यानी आपको डबल मिनट लगेंगे। तो देखिए व्हिपिंग क्रीम का मेरा जो कलर है वो कितना चेंज हो गया है। पहले पेल वाइट था, अभी देखिए बहुत ज़्यादा वाइट हो गया, और उसका देखिए साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ है। और पहले की कंपैरिजन में देखिए ये मेरा यहाँ पर स्टिक हो रहा है, किस तरह से मेरे बीटर के जो ब्लेड्स हैं उसमें किस तरह से स्टिक हो रहा है। देखिए थोड़ा सा ठीक हुआ है ये, अभी 10 मिनट हुआ है मुझे बीट करते हुए, और 10 मिनट में से बीट करूँगी बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। देखिए मैंने लगभग 20 से 25 मिनट तक इसको बीट कर लिया है, और कितना अच्छा ये फोमी हो गया। देखिए इस अपने बीटर से ये गिर नहीं रहा है, मतलब ये बिल्कुल रेडी है। तो लीजिए लगभग हमारा आइसक्रीम का जो हमारा बेसिक चीज़ है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी है। देखिए आइसक्रीम जिस तरह से थोड़ा सा गल जाता है वैसा ही है। देखिए बिल्कुल बाजार जैसा मैं आइसक्रीम आपको बना के आज दिखाऊंगी। तो अभी जो मैंने मैंगो पल्प निकाल के रखा हुआ है, उसको मैंने चीनी के साथ मिक्स कर लिया था मिक्सचर में, बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। उसको मैं इस क्रीम के साथ, व्हिपिंग क्रीम के साथ मिक्स कर लूँगी बहुत ही अच्छे से। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें मैंगो वाला कलर नहीं आया है, उसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। मैं बस कलर के लिए इसमें डाल रही हूँ, बाकी आप बिल्कुल घर पर अगर खा रहे हो तो इसमें फूड कलर डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल नेचुरल जो आपका कलर आता है उसी में खाइए। तो देखिए आइसक्रीम का जो बेस है हमारा तैयार हो चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा मैंगो क्यूब में मैंने काट के रखा हुआ था, उसको हम डाल देंगे। अच्छा 3 आम मैंने लिया हुआ था, 2 आम का पल्प मैंने इसमें डाला है, और जो तीसरा वाला आम था उसके मैंने क्यूब्स इसमें डाले हैं। तो आइसक्रीम में मेरे टोटल 3 मैंगोज़ लगे हैं, तो इसे हम डालेंगे। देखिए मेरे पास एक कंटेनर था जो कि क्वालिटी वॉल्स का है, उसी कंटेनर में मैं इसे जमाऊँगी। मैं कोई भी एयर टाइट कंटेनर अलग से नहीं ले रही हूँ, मैं इसी में जमाऊँगी इसे। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको जमा सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कांच के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में या फिर कोई स्पेसिफिक कोई बर्तन हो उसी में आप इसको जमाएं। ये किसी भी बर्तन में जम सकता है। आप देख सकते हैं मैंने प्लास्टिक के जो हमें मिलता है बाज़ार में उसी में मैंने जमा दिया है, तो इसको मैंने भर दिया है। बाकी का जो मेरा बचा हुआ था उसको मैं अपनी बेटी के जो लंच बॉक्स है उसी में मैं डाल दे रही हूँ, बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये किसी भी चीज़ में जम सकता है, बस एयर टाइट होना चाहिए। तो इसको मैंने भी भर दिया है और अच्छे से मैं इसको लॉक कर दूँगी। अब इन दोनों टब्स को मैं रखने जाऊँगी फ्रीज़र में। अभी रात का टाइम है तो मैं इसको 8 से 9 घंटे के लिए, मतलब कि ओवरनाइट मैं इसे जमने के लिए टाइम दूंगी। 8 से 9 घंटे के बाद देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। 2 मिनट के लिए मैंने इसे बस बाहर रखा था, थोड़ा सा पानी देखिए इसमें से निकलने लग गया है। अब सबसे पहले मैं अपना लंच बॉक्स जो है वो खोलूँगी। देखिए बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल, जो कि मतलब वैसे नॉर्मली सुनने को मिलता है आइस क्रिस्टल जम जाता है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, प्योर आइसक्रीम है ये, बहुत अच्छे से जमा हुआ है ओवरनाइट।
अब मैं आपको अपना टब ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसा, जैसा कि आप बाज़ार में से ला कर ओपन करते हैं बिल्कुल वैसा ही है। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। एक गोल सा मैंने चम्मच लिया है और उसको मैं एक अच्छे से किसी भी आप कांच के बर्तन में डालिए, उसे सर्व कीजिए सर्विंग बाउल में। देखिए आम के टुकड़े आपको दिख रहे होंगे, यही होममेड आइसक्रीम की पहचान होती है, यही खासियत होती है कि आपको प्योर चीज़ खाने को मिलता है। तो आपने देखा कितने ही आसानी से मैंने बस 10 से 12 घंटे में ही मैंने बना लिया है अपना होममेड आइसक्रीम। बस इसको ओवरनाइट जमने का टाइम लगता है और बनाने में बस आधे से पौने एक घंटे का टाइम। अभी मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा बादाम का टुकड़ा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने ग्रेट किया हुआ बादाम डाल दिया है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए तैयार है हमारा होममेड मैंगो आइसक्रीम। सर्व कीजिए इसको बिल्कुल ठंडा ठंडा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और भी होममेड इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए, और बढ़ती हुई गर्मी में पानी पीना ना भूलें और मज़े लीजिए ठंडे ठंडे आइसक्रीम का।